और खबर नोएडा से है, जहां महिला डॉक्टर के साथ 60 लाख की ठगी। तो बता दें, डिजिटल अरेस्ट कर करीब 60 लाख रुपए ठगे हैं। पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। तो लगातार डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, और इस बार ये मामला नोएडा से, जहां नोएडा में सबसे ज्यादा इस तरह के जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। महिला डॉक्टर के साथ इस बार ठगी की गई है, 60 लाख रुपए की ठगी डिजिटल अरेस्ट कर की गई। तो पुलिस ने ठगी करने वाले हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो अब तक कई ऐसी गिरफ्तारियां डिजिटल अरेस्ट की इस ठगी को लेकर की जा चुकी है। अब एक और ठग जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है, उससे पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो आए दिन ये डिजिटल अरेस्ट कर ठग जो है वो लोगों को ठग रहे हैं। जमा पूंजी ठगी जाने की वजह से लोग भी अपने आप को सकते में जो है वो देखते हैं। हालांकि इस तरह के ठगों पर पुलिस की पैनी नजर है, और यही वजह है कि नोएडा में इस शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर उनके खाते से तकरीबन 60 लाख रुपए हड़पने वाले गैंग के एक सदस्य को नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया व्यक्ति अपने मोबाइल और बैंक खातों को साइबर ठगों को उपलब्ध कराया करता था, और मध्य प्रदेश के रहने वाले सरगना को अपना मोबाइल किराए पर दिया था, जिसकी एवज में 25,000 रुपये प्रति माह लिया करता था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो सरगना है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें बनाई गई हैं, उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। महिला डॉक्टर को अश्लील वीडियो उसके मोबाइल से प्रसारित होने की बात कहकर खुद को ट्राई अधिकारी बताकर झांसे में लिया था और तकरीबन 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। महिला का आरोप ये भी है कि उसके बच्चों को अगवा करने तक की धमकी दी गई, और इस पूरे मामले में CBI जांच, मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस जो है वो जांच करने की बात कहकर दबाव बनाया और महिला के बैंक खातों से तकरीबन 60 लाख रुपए अपने बैंक खातों में ट्रांसफ़र कराए। पकड़े गए व्यक्ति की मदद से उस पैसे को अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफ़र कराया और वहां से पैसा विड्रॉल कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद इस सरगना की गिरफ्तारी के बाद इन मामलों में कमी देखी जा सकती है। फिलहाल देखना होगा सरगना कब तक गिरफ्तार होगा, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार डिजिटल अरेस्ट करके लोगों के साथ ठगी करने के मामले सामने आ रहे हैं, और इस साल अभी तक की बात की जाए तो करोड़ों रुपए की ठगी डिजिटल अरेस्ट करने के बाद साइबर अपराधियों द्वारा अंजाम दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेन्द्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। तो वहीं आगरा में डिजिटल अरेस्ट ठगी, तो महिला से 1 लाख और बेटे से 5,000 ठगे। तो देखिए, नोएडा के बाद आगरा से इस तरह का मामला सामने आया, जहां 50 मिनट तक मोबाइल पर मां और बेटी को डिजिटल अरेस्ट ठगों की तरफ से रखा गया। तो महिला के खाते में वृद्धा पेंशन के पैसे आते थे। आरोपी ने खुद को बैंक का मैनेजर बताया और करीब 50 मिनट तक मां बेटी को डिजिटल अरेस्ट कर मां से 1 लाख रुपए और बेटी से 5,000 रुपए ठग लिए। तो आगरा में डिजिटल अरेस्ट का यह तीसरा ऐसा केस सामने आया है। थाना एतमा दौला के ट्रांस यमुना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आरोपी ने खुद को बैंक का मैनेजर बताया और बैंक का मैनेजर बताकर डिजिटल अरेस्ट कर ये ठगी यहां पर मां बेटी के साथ की है। जो पीड़िता है उनमें रोष देखा जा रहा है। मैंने बच्ची पर लॉकर दिखवाया था। मैंने कि मैं अपनी बुढ़ाती हूँ, घर रहती हूँ, ना रहती चली जाती हूँ, तो मैंने सेफ्टी से रखे रहेंगे। मेरा एक एक पैसा था उसमें, बैंक में वृद्धा पेंशन के आवते और मेरे खेत के आवते, मेरे पियते पैसे पैसे किसान के, मोदी जी डाते, योगी जी डाते, बे पैसे मेरे जुड़े भाई थे। इसलिए मैंने की बेटा हुई चीज हिसाब से रही तू लोकर देख ले। दोबारा मेरे सारे पैसे कट गए, एक में 10,000 कट गए, एक में 83,000 कट गए। मैंने तो एक एक पैसा जोड़ा था, अपना जो नहीं कही कि मेरे पैसे को जो ऐसे खा जाएंगे। लेकिन नहीं, ये लिंक आया था, इस लिंक पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद उन्होंने कहा ये ऑनलाइन फॉर्म है लॉकर का, आपको ये भरना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको लॉकर मिलेगा, उसके बाद आपको हमारे बैंक का विजिट करना पड़ेगा। SBI बैंक से अरुण कुमार मैनेजर बोल रहे थे, कह रहे थे। उसके बाद मैंने इस लिंक पर क्लिक किया। ताजनगरी आगरा साइबर ठगों के निशाने पर है। जी हाँ, आगरा में डिजिटल अरेस्टिंग का एक तीसरा मामला सामने आया है। ये मामला काफी चौंकाने वाला है। मामला थाना अतबदौला के ट्रांसमुना क्षेत्र का है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला को 1 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट बनाया और उसके खाते से लगभग 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। दरअसल जो वृद्ध महिला है
वो अपना लॉकर खुलवाना चाहती थी और उसके लिए वो ऑनलाइन अप्लाई कर रही थी। इसी दौरान एक व्हाट्सएप पर कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि वो SBI बैंक का मैनेजर है और आपका खाता तुरंत ऑनलाइन खोल दिया जाएगा, जिस पर एक लिंक जो है वो उस व्हाट्सएप कॉल द्वारा इस महिला को दिया जाता है। जब वो लिंक पर क्लिक करती है तो तुरंत उसके खाते से लगभग 90,000 रुपये एक बार निकलते हैं और 10,000 रुपये दूसरी बार निकलते हैं, तो कुल मिलाकर लगभग 1,00,000 रुपये की ठगी उस महिला से कर ली जाती है। अब महिला बुरी तरीके से रो रो कर परेशान है और उसका कहना है कि उसकी गाड़ी कमाई जो लगातार उसने कमाई थी और जमा करके रखी हुई थी वो साइबर ठगों ने लूट ली। अब इस पूरे मामले में वो चाहती है कि कार्रवाई हो और उसका पैसा मिले। लेकिन आपको बता दूं कि आगरा में साइबर ठगी का ये डिजिटल अरेस्टिंग का लगभग तीसरा मामला है। इससे पहले दो और मामले वृद्ध महिलाओं के सामने आए थे जिसमें एक महिला की मौत भी हो चुकी थी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी जो है वो लगातार डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोगों को आगाह कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आगरा में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने एक इंजीनियर हत्या